हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला हो रहा है। इसके अलावा ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। इन दोनों की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सीज में भी दिखाई दे रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती और सीरिया के शिया गुट पहले ही धमकी दे चुके हैं कि इसराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वे बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसराइल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इसराइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इसराइल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से भी अगर 2-3 रॉकेट इसराइल के एयर डिफेंस को भेद कर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है। इधर हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला कर दिया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। हालांकि इसराइली सेना ने दावा किया है कि इसमें से सिर्फ 5 रॉकेट इसराइली सीमा में घुस पाए। अभी तक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हमले के खतरों को देखते हुए इसराइल भी सतर्क हो गया है। इसराइली आर्मी के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि इसराइली डिफेंस फोर्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, डिफेंस और अटैक दोनों ही मोर्चों पर IDF हाई अलर्ट पर है। IDF के जवान आसमान, समुद्र और जमीन तीनों मोर्चों पर तैनात है। वो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, खासतौर से तुरंत जवाबी हमले करने के लिए। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान किसी भी मोर्चे पर हमारे खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई की तो इसराइल इसकी भारी कीमत वसूलेगा।